अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ जवाद है। मैं एसटीसी एकेडमी के साथ काम करता हूँ। आज हम मैडम रुखसाना नवीद साहिबा के दफ्तर में मौजूद हैं, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं क्लाइमेट चेंज पे, और इस वक्त इंसाफ टीचर्स विंग को हेड कर रही हैं। चूँकि उसातज़ा का आलमी दिन है, हम चाहेंगे कि ये क्या ख़ास पैगाम उसातज़ा और तलबा को देना चाहती हैं, तो इस हवाले से अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टीचर्स डे के हवाले से मैं ये एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम जो कि देना चाहूँगी अपने असातज़ा को भी और बच्चों को भी। मेरी ख्वाहिश और काविश होगी, पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि असातज़ा और मुआशरे का जो एक तामीर और तरक्की में इनका हिस्सा है, उसको किस तरह ज़्यादा मौसर तरीके से हम लेके चलें, जो कि हमारे सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अलामा इकबाल हैं और कायदे आज़म हैं, इनके पैगामात और इनके जो ख्वाब हैं उसको हम किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें और बच्चों को ऐसी तरबियत मिले। हमें आगे टीचर्स को इज्जत और एहतराम ऐसे देना है जैसे कि हम दूसरे मुआशरे तरक्की याफ्ता मुआशरों में देखते हैं कि टीचर्स की बहुत इज्जत होती है। उसी तरह से हमने जो ये खो दी है इज्जत, जो कि हम पहले देखा करते थे कि बहुत आला मुकाम हुआ करता था असातज़ा का, उसको हमने दोबारा वापस रिस्टोर करना है और खोया हुआ मुकाम जो है उसको हमने वापस रिस्टोर किस तरह से करना है, इस पे हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे इस वक्त टीचर्स के नीचे हैं और टीचर्स उनको किस तरह से उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनको किस तरह से रिफाइन करते हैं, किस तरह से घड़ के एक हीरा बना देते हैं एक पत्थर को, उस चीज़ पे हमने ज़्यादा फोकस रखना है। और बहसियत रुकन अकवाम आलम, हमें आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन आलमी मेयार को सामने रख कर चलना पड़ेगा। और इस ज़िम्रे में जो हमारे SDGs हैं, पायदार तरक्याती मकासद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको उन मकासद को हमें अपनी तालीम का लाजमी जुज बनाना पड़ेगा। असातज़ा को इस हवाले से थोड़ी बच्चों पे मजीद मेहनत करनी पड़ेगी कि जब तक हम ये चीज़ें अपने बच्चों में इंकलकेट नहीं करते तो मुल्क आगे तरक्की करने के लिए उसके मौके बहुत कम हो जाते हैं। हमें इनको मौके ज़्यादा हासिल करने के लिए बच्चों को शुरू से ही इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।